हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राठी मेरे यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही बहुत गर्मी है आप सभी मेरे साथ हैं कभी भी क्लास बंद हो सकती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आपने सुन लिया बाहर आवाज़ नहीं आ रही होगी वैसे आपको पर जो यूपीएस है वो चू ऐसे से बोल रहा है तो किसी भी समय जो है आपकी क्लास जो है भगवान करे पूरी हो जाए नहीं कोशिश तो करेंगे पूरी क्लास आपकी हो जाए बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सुमित राठी आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी 101 बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी जिसमें अब आप, अब आप, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट बचा नहीं है सो so, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे किसकी इंडियन क्लाइमेट की इंडियन क्लाइमेट ये हमारा लेक्चर नंबर टवेंटी कौन सा लेक्चर लेक्चर नंबर टवेंटी तो लेक्चर नंबर टवेंटी के साथ में मैं शुरू कर रहा हूँ आप सब लोगों से भाई साहब गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग नाम पढ़ने की हिम्मत नहीं है आज <laughs> हालत आ रहा है बहुत गर्मी बहुत हो रही है नाम पढ़ने की हिम्मत नहीं है तेजस्वी आम वाली आम वाले हैं कौन है भाई साहब ये आम आम ही आम भेज रहे हैं ठीक है लेके आओ ये आम यार आम का सीज़न आ गया है स्नेप्रीत उसके बाद हैं अरवीना खान किंग जॉन भी आ गए क्या ओ भाई साहब किंग जॉन उन कई दिनों में आया है यार ये या? अरे कहां रह गए थे भाई नॉर्थ कोरिया कहा चले गए यार तुम बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए तुमने चलिए लेट्स बिगिन टॉपिक आज की टॉपिक हमारा इंडियन क्लाइमेट लेक्चर नंबर है ट्वेंटी वन और शुरू करते हैं इंडियन जोग्राफी का ये टॉपिक हमारा अच्छा आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है सारे लोग बढ़िया मतलब कर, पढ़ रहे हैं सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं डिस्कस कर रहे हैं सारे देखो यार क्या है ना कि सपना तो सब देख लेते हैं आप लोगों ने भी देख ही रखा है लेकिन सपने को ना साकार करना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है मुश्किल उनके लिए होता है जो लोग अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आते दो चीज़ें होती हैं श्री कृष्ण भगवान कह के गए थे कल रात में मेरे सपने में आए तब कह के गए थे कि दो चीज़ें होती है तो इच्छा और दूसरी होती है चेष्टा अगर इच्छाओं की पूर्ति करनी है ना तो चेष्टा करनी पड़ेगी चेष्टा समझते हो प्रयत्न प्रयास हिंदी में बोल के गए थे वो कह रहे हिंदी वाले बच्चे ज्यादा हैं तेरे चैनल पे ठीक है वो फिर कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं बताया तो इसलिए वो हिंदी में बता के गए मेरे से कृष्ण भगवान की इच्छा और चेष्टा ये सब में होती है सब में होती है लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनकी इच्छा पूरी होती है एलोन मस्क सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है भाई साहब है ना कह रहा है मंगल ग्रह पर कलोनी काट दूंगा थोड़े दिनों में समझ रहे हो सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है बहुत सारे लोग हैं ऐसी दुनिया में जिन्होंने अपनी पूरी इच्छाएं पूरी की हैं लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की है ना उनके पीछे उनकी बहुत ही दृढ़ चेष्टा उन्होंने चेष्टा भी किए उसको करने का उनका बहुत तगड़ा प्रयास भी रहा है उस चीज को करने का बिना अगर आपके चेष्टा किए या बिना प्रयास किए अगर आप इच्छा रखते हो तो उसको रख ही रखो मन में उसको बाहर मत निकालो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अगर बिना प्रयास अगर आप लोग या बिना चेष्टा के कोई इच्छा रखते हो तो फिर उसको दबा दो उससे तुम्हें नुकसान ही होगा निराशा ही होगी कुछ नहीं मिलेगा तो आप यार ऐसे फेज में हैं जिसको हम यूथ बोलते हैं यूथनेस है ना जवानी बोलते हैं जवानी इसमें और जवानी के अंदर वास्तविकता में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी सोच ले और नहीं कर सकता तुमने सोच लेना तुम कर दोगे एकमात्र शत्रु जो है ना तुम्हारे बीच में और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में वो तुम खुद ही हो तुम्हारी रूटीन तुम्हारा दिनचर्या तुम्हारा मूड तुम्हारी हैबिट फूड तुम्हारी वर्क तुम्हारी एक्सरसाइज तुम्हारे सराउंडिंग्स तुम्हारे दोस्त यही चीजें हैं दोस्तों जो आपके ऑल ओवर एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है उसी पे डिपेंड करता है वो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो आप इच्छा कर रहे हैं ना जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हैं है ना कई लोग कुछ कुछ प्राप्त करना चाहते हैं मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की बात कर रहा हूँ तो भाई आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है मेरा लगातार पढ़िए ठीक है थीके? कोई छुट्टी नहीं है कुछ नहीं है लगातार लगे रहिए जिस दिन बाईचांस कोई क्लास ना होती तो पीछे की क्लास उठा लो रिवाइज कर लो है ना बेस्ट है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आज हम बात करने वाले इंडियन क्लाइमेट यहां पर एक वर्ड ध्यान दो मैंने क्लाइमेट बोला है मैंने वेदर नहीं बोला क्योंकि किसी भी देश का या किसी भी वर्ल्ड का भी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्लाइमेट ही पढ़ते हैं वेदर कभी नहीं पढ़ते कि आ जाओ भाई इंडियन वेदर पढ़ते हैं कभी सुना है तुमने तो इंडियन वेदर पढ़ते हैं आ जाओ नहीं सुना होता ही नहीं है इंडियन वेदर होता है मतलब सीजन होते हैं हम पढ़ते हैं उसको भी बट एज सच उसको बड़ा टॉपिक नहीं होता जब भी हम नाम लेंगे इंडियन क्लाइमेट रख कहेंगे इंडियन क्लाइमेट या फिर हम क्या कहेंगे दोस्तों आपका मॉनसून ठीक है भारत की जलवायु या हम मानसून कहेंगे चलिए इसके बारे में बात करते हैं बट शुरू करने से पहले आप मेरे प्रिय छात्र हैं सारे के सारे आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ मैं शुरू करता हूं हमेशा आज भी उसी के साथ शुरू करूंगा कि यार अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट जो है मेरी कबूल कीजिए मेरे चार अलग अलग चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं पहला जो चैनल है वो है जाग्रफी वन जीरो वन अगर आपकी जाग्रफी समस्या है आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें टी जी टी पी जी टी ये जी टी वो जी टी कोई भी उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जिसके अंदर ज्योग्राफी आती है तो दिस विल यू लाइक ये आपको ना एक एक्सपर्ट बना देगा मास्टर बना देगा मास्टर तुम्हें अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तो दोस्तों यहां पर हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है आपको पता है गुरुकुल थ्री पॉइंट अगर आपकी इच्छा सिर्फ करंट अफेयर की है तो इसके ऊपर अब धड़ाके से करंट अफेयर के रिलेटेड वीडियो आने वाली है और अगर आप एनसीआर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल है एनसीआर तो आ जाओ यार ज्वाइन कर लो कहां पर NCRD पे तो ये चार अलग अलग चैनल्स के माध्यम से दोस्तों मैं के लिए आपको कुछ नहीं करना सुमित कुमार मेरा नाम है सुमित कुमार बस इस नाम से फॉलो कर लो फॉलो ठीक है सुनील सर ऐसे ही बोलते हैं ना फॉलो कर लो फॉलो करने से क्या होगा जब आप मुझे फॉलो करोगे तो उसके बाद कोई भी क्विज कोई भी स्पेशल क्लास और किसी भी प्रकार का प्लस कोर्स जो है आप मेरे साथ कर पाओगे अच्छा मेरे साथ प्लस कोर्स करने के लिए आपको ध्यान रखना है ये बहुत कंपलसरी चीज है आपको सुमित टेन कोड यूज करना है ठीक है कबूल ये क्या लिख रहे हो भाई कौन सा पे निगाह पड़वा रहा हूं तुम्हारा सो <laughs> so, प्लस कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोड यूज करना है क्या सुमित टेन है ना अच्छा अभी एक ऑफर चल रहा है ईस्टर स्पेशल ऑफर ठीक है ये ईस्टर क्या होता है पहले ये जाके देखो ढूंढो आज स्पेशल ऑफर क्या है है ये मेरा पर्सनल फेवरेट दो साल का लेने पे यार आपको सिक्स मंथ का क्या मिल रहा है ऑफ मिल रहा है मतलब एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो जब आप मेरा कोड लगाएंगे सुमित टेन तो आपको इसके साथ टेन परसेंट डिस्काउंट भी तो मिल रहा है तो दोहरा शिकार हो रहा है दोहरी चीज आप कर पाओगे फटाफट जाओ यार ज्वाइन कर लो कोड याद रखना है मेरा क्या है सुमेट बाकी अगर आप 12 महीने का 18 महीने कर रहे हो तो भी कर सकते हो अगर किसी भी बच्चे को इससे जुड़ना है तो बस आपको मुझे मेल कर देना है ठीक है मेल आई मेरी कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में मेरी, मेरी मेल आई आ रही है टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लो आज मैं जो बात करने वाला हूं मैं इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करने वाला हूं बट मैं पहले बेसिक्स पे जाऊंगा व्हाट इज दिस क्लाइमेट वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अभी क्लाइमेट चेंज जब शुरू किया तब मैंने बताया था बट फिर भी आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं देखो मेरे पास दो शब्द हैं पहला शब्द है मेरे पास क्लाइमेट दूसरा शब्द है मेरे पास वेदर और तीसरी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एटमो चलो इसको छोड़ देते हैं अभी अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट देखो इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या मौसम इसको क्या कहते हैं मौसम इसको हम कहते हैं जलवायु क्या बोलते हैं जल की वायु भारी भरकम वर्ड है ना बहुत आसान से समझाऊंगा बिल्कुल ईजी पीजी कोई टेक्निकल टर्म नहीं ठीक है सारे डायग्राम में कला का बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा है ना ऐसे पढ़ाऊंगा मतलब कोई ऐसी चीज नहीं लगेगी तुम्हें कि समझ नहीं आएगा अच्छा ये क्या होती हैं दोनों चीज व्हाट इज दिस क्लाइमेट एंड व्हाट इज दिस वेदर बार बार पढ़ा रहा हूं फिर से एक बार बता रहा हूं बताओ क्या क्लाइमेट होता है और क्या वेदर होता है तो आप कहोगे सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बट क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैं पहले लिख देता हूं कि देर आर सर्टेन एटमोस्फेयरिक कंडीशन क्या होता है देर आर सर्टेन एटमोस्फेरिक कंडीशन वी हैव इन एटमोस्फेरिक कंडीशन को हिंदी में हिंदी वाली बात जरूरी है वायुमंडलीय अवस्थाएं आप समझ रहे हो कल कृष्ण भगवान जब आके मेरे सपने में वो बता के गए थे उन्होंने हिंदी में बोला है चेष्टा समझाया भी ये चेष्टा का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जैसे ही तू कल जाके कुछ बोलेगा इंग्लिश वाली बात तो, तो फिर हिंदी हिंदी करेंगे तो इसीलिए हिंदी हिंदी में बता के गए हैं कि इंग्लिश मैं कहा ठीक है है जी क्लाइमेट क्लाइमेट और वेदर अब जो पे कंडीशन है, है ना मेरे पास इन एटमोस्फेरिक कंडीशन की बात कर लेते हैं तो देर आर वेरियस एटमोस्फेरिक कंडीशन वी हैव हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारी कंडीशन है जैसे सबसे पहले हमारी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों टेम्परेचर सर क्या कहते हैं टेम्परेचर को हम सिंपल भाषा में कहते हैं तापमान दूसरी चीज चीज़ है मेरे पास उसको हम बोलते हैं प्रेशर क्या बोलते हैं इसको सर वायु दाब तीसरी जो चीज है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं इसको सर इसको बोलते हैं हम सर आर्द्रता नंबर चार पर जो है ना मेरे पास इसको बोलते हैं हम क्लाउडीनेस यानी कि बादल इसके बाद है हमारा रेनफॉल सुनील सर के शब्दों में बरसा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं इनकी हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे सुनील सर ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ मेरे बड़े भाई बराबर हैं ठीक है तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ बट बस मैं वैसे ही एक दो बात उनकी मेरे को ना याद आती रहती है तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो क्लाइमेट और आपके वेदर दो चीजों में बड़ा बड़ छोटा सा डिफरेंस है क्या देखो हमें पढ़ना तो इन्हीं के बारे में है तुम कुछ भी राम कहानी चला लो तुम्हें पढ़ना ही इन्हीं के बारे में है ठीक है कुछ भी पढ़ लो तुम इसी के बारे में पढ़ोगे आप या तो टेंचर पढ़ोगे या प्रेशर पढ़ोगे या ह्यूमिडिटी पढ़ोगे या पढ़ोगे या रेनफॉल पढ़ोगे जो छोटा सा डिफरेंस होता होता है है वो क्या होता है? जब भी आप लॉन्ग टर्म स्टडी करते हो ठीक है यहां पर क्या करना है आपको लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ स्टडीज एटमोस्फेरिक कंडीशन लॉन्ग टर्म की बात जब मैं करूंगा तो मैं याद रखना मिनिमम मैं थर्टी फाइव इन काउंट करूंगा और मैक्सिमम क्या होगा सर मैक्सिमम होगा बाबा भोलेनाथ की इच्छा प्रभु की इच्छा मतलब मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है जब आप इसकी स्टडी करते हो ठीक है लॉन्ग टर्म स्टडी किसकी भाई लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ दीज एटमोस्फेरिक कंडीशन तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं क्लाइमेट एंड वेन एवर वी टेक टर्म अकाउंट जब जब हम शॉर्ट टर्म स्टडी करते हैं ठीक है जब जब हम शॉर्ट टर्म अकाउंट लेते हैं ठीक है या हम शॉर्ट टर्म स्टडी करते हैं जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि मिनिमम जो है हमारा वो क्या होता है ये मैक्सिमम होता है आपका वन वीक ठीक है ये जो होता है ना डे टू डे में चलता है डे टू डे के अंदर चलता है मैक्सिमम जो होता है ये कितना होता है दोस्तों आपका वन वीक एक सप्ताह एक सप्ताह ज्यादा नहीं होता जैसे मैं पहले बता चुका हूं जब हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं दोस्तों कई बार कि आज का इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको हम कहते हैं ना यार आज का मौसम कल से गरम था ऐसे कह दू मैं आज का मौसम कल से गरम था यार तो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं मैं टेम्परेचर कंपेयर कर रहा हूं आज का और कल का ठीक है क्या कंपेयर किया मैंने टेम्परेचर है ना बट मैंने आज और कल का कंपेयर किया शौट टंग. शौट टंग जब भी आ जाए ना धड़ल्ले से बोल दो कि आप क्या पढ़ रहे हो वेदर. But whenever we take a long -term account, जब जब हम टर्म की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट जैसे मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूँ दोस्तों आपको जैसे जब मैं इंडिया की बात करता हूं जैसे इंडिया हैज दो तरीकों से हम कह देते हैं इंडिया के क्लाइमेट को पहला प्यार से बोल देते हैं मॉनसूनल टाइप मानसूनल टाइप ऐसा ना होगा जैसे माउसी टाइप का मतलब माउसी माउसी है ना प्यार से बोल रहे हैं मानसूनल है सब सब टाइप जलवायु है दोस्तों सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल को क्या कहते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय यहां तो ज्यादा बाहर चला जाएगा इन स्विंग स्विंग हो जाएगी क्या बोलते हैं हिंदी में उष्ण कटी बंदी है गाइज एक सेकंड रुकना वो चू चू कर रहा है उसको बंद करना पड़ेगा अदरवाइज क्लास बंद हो जाएगी चलते हुए ठीक है एक मिनट रुकना मैं कुछ और लाइटें वाइटें बंद करता हूँ तो सो so दैट काम हो चल सके हमारा लाइट की समस्या ना वो गर्मियों में यार दुखी बहुत करेगी है ना बड़ी दुखी करेगी लाइट की समस्या यार ये गर्मी इतनी लग रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत बट ठीक है पूरी क्लास तो खैर ये होने ही नहीं देगा इन्वर्टर चलेगा नहीं बट जितनी होती है ना उतनी करते हैं ठीक है कोई बात नहीं लिपसाप आराम करो ठीक है आराम करो यार तबीयत खराब हो तो ऐसा अपने आप पर बर्डन मत दिया करो देखो सबसे पहले ना हमारे एक वार्डन थे ठीक है मैं हर दिन ना सुनो मेरी बात हर दिन पढ़ाई भी नहीं है यार देखो यार मैं एक बात मानता हूं जब मन करे ना वो काम किया करो और तुम अगर मेरे साथ जुड़े हो ठीक है मैं तो नहीं कहूँगा भाई मैं आप लोग सब मेरे से लिए दोस्त के समान हो ठीक है सारे सारे मैं कोई बहुत बड़ा गुरु तो हूँ नहीं कि भाई मेरी पचासी साल एज होगी तो मैं गुरु बन गया हूँ ठीक है आप सब मेरे दोस्त हो मानना चाहो तो आप मुझे गुरु टीचर जो भी मेंटर मान सकते हो परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं जब मन करे ना तो ही पढ़ो लेकिन उनका क्या कि सर जिनका तुम तो मन ही ना करता तो ठीक है छोड़ दो लेकिन एक बात याद रखो कभी भी अपने साथ जबरदस्ती मत करो और स्वास्थ्य तो ना वो प्राथमिकता है ठीक है स्वास्थ्य और परिवार ये दो प्राथमिकता है कई बार ऐसा होगा मम्मी ने कुछ काम बता दिया काम ना कर रहे हो और कह दो आप मान मार दो हम तो पढ़ रहे हैं ना काम करके बैठो ठीक है क्योंकि परिवार और स्वास्थ्य ये दो चीज़ें ना प्राथमिकता है मैं सच बता रहा हूं बाकी सब आ जाएगा ये दो चीज़ें जो है ना एक बार चली गई तो कभी नहीं आती तो इन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है ठीक है अगर आप मेरे से कुछ मेरे को कुछ मानते हो समझते हो तो इन चीज़ों को वैल्यू दो और कभी भी अपने आप को बर्डनड मत करो ऐसा नहीं है कि मेरे को भी मतलब आज सच बता रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉमिट आएगा उल्टी आएगी आई डोंट नो वाई इट इज़ हैपनिंग डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है ठीक है कुछ अजीब सा है बट ठीक है मेरा तो देखो काम है यार है ना मैं नहीं आऊंगा तो बहुत सारी बच्चे जो हैं यहाँ खाली आके चले जाएंगे बट कम से कम आप लोग नहीं आते तो वो दिक्कत नहीं होती एक आराम से कर लो बाद में कर लो बट मन लगा के पढ़ो ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती हो रही है तो क्लाइमेट और वेदर की मैंने बेसिक परिभाषा आपको बताई कि व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर जब लॉन्ग टर्म स्टडी करूंगा तो उसको बोल देंगे क्लाइमेट जब मैं शॉर्ट टर्म स्टडी करूंगा तो उसको हम क्या बोल देंगे वेदर ये टू डे टू डे होता है वो क्या होता है दोस्तों आपका वो लंबे टाइम पे हम कंसिडर करते हैं जैसे हमने बोल दिया थर्टी फाइव ईयर है ना 35 साल के लिए हमने ले लिया कम से कम और ज्यादा तो पता नहीं कितना याद रखने रखना की बात क्या है कि जो क्लाइमेट पढ़ लो चाहे आप क्या पढ़ लो दोस्तों आप कुछ वेदर पढ़ लो आप करोगे इन्हीं चीजों की बात ठीक है और ये चीजें क्या हैं दोस्तों दीज आर वेरियस एटमोस्फेरिक कंडीशन ये चीजें हैं अलग अलग आपकी वायुमंडलीय अवस्थाएं तो इन अलग अलग वायुमंडलीय अवस्थाओं के अध्ययन को ही हम क्या कह रहे हैं दोस्तों क्लाइमेट सो क्लाइमेट इज नथिंग इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कुछ अलग नहीं है आप जो डेली रोजमर्रा में हमारे वायुमंडल में चीजें देखते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं दोस्तों ये कहते हैं अब मैं बात करता हूं दोस्तों इंडिया की लोकेशन इंडिया की लोकेशन भारत कहां पर स्थित है तो आपको बखूबी पता है दोस्तों ठीक है सारे के सारे बच्चे जानते हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं सबको पता है दोस्तों ये पृथ्वी है हमारी है ना इस पृथ्वी पे अगर मैं बात करता हूं तो ये है जीरो डिग्री नॉर्थ और ये जीरो डिग्री लैटिट्यूड है जीरो डिग्री लैटिट्यूड है ये जीरो डिग्री क्या है हमारा दोस्तों लॉन्गिट्यूड है मैंने आपको बताया इंडिया जो है वो यहां पर है नॉर्थ ईस्टर्न एमिसफेयर में ना इंडिया थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया छोटा करना पड़ेगा ठीक है ये हो गया सो इंडिया इज बेसिकली इन नॉर्थ ईस्ट लोकेट हो गया जोन कितने होते हैं? पता है आपको नहीं पता होगा चलो कोई बात ना कोई बात नहीं यार बताने के लिए पृथ्वी हमारी सबसे पहले हमारे पास ये जीरो डिग्री रेखा होती है पता होगा आपको नहीं पता तो वो भी कोई बात ना मैं बता रहा हूं ये है हमारे पास क्या जीरो डिग्री यार गर्मी है इतनी बढ़ाया कैसे जाएगा यार बड़ी गर्मी लग रही है मुझे भी ऊपर से बोर्ड जो है ना ये भी बहुत गर्मी छोड़ता है जीरो डिग्री आफ्टर जीरो नॉर्थ बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से क्लाइमेट बिल्कुल बेसिक से जीरो से करा रहा हूं ठीक है सर यह आपने बड़ी बार पढ़ाया है कोई अच्छा कंटेंट दिया करो <laughs> भाई कहीं और पढ़ लेना तू तु, तुम यहाँ क्या आरती उतारने आते हो ठीक है जाओ कहीं और से ही पढ़ो जा कहीं और से ही पढ़ तू यहां मत आया करो यार आज नहीं करूंगा ठीक है गर्मी है क्लास छोड़ दू छोड़ रहा हूं मैं ठीक है वैसे इसकी वजह से नहीं ये पागल आदमी की वजह से नहीं गर्मी है थोड़ी सी और गर्मी में बिल्कुल मेरा काम नहीं कर रहा दिमाग ठीक है वैसे मत सोचना कि सर इसकी वजह से छोड़ रहे हैं वो तो हमने हटा दिया ठीक है ऐसे पागल तो बहुत आते हैं ठीक है ऐसे पागल तो रोज आएंगे सो उसकी दिक्कत नहीं है बट गर्मी बहुत है यार मतलब क्लास होगी नहीं ठीक है सो हम बाद में करेंगे यार इसको अरे उसको छोड़ दो छोड़ दो ये तो आते रहते हैं ऐसे चटपट लोग ना आते रहते हैं इनकी टेंशन नहीं है ठीक है बट गर्मी है यार और गर्मी में हो नहीं पाएगा या क्या करें कर लें क्या चलो ठीक है मैं करा रहा हूँ अब ध्यान दो इधर ये सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ है इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये है हमारा सिक्सटी सिक्स एंड हाफ साउथ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ दिस इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ This सिक्सटी सिक्स एंड हाफ साउथ दिस इज 90 डिग्री साउथ अब बात समझिए दोस्तों हर एक जगह पे मैंने बताया था ये जो अलग अलग जोन बनते हैं जैसे जीरो डिग्री के आसपास है जीरो के बाद अगर मैं बात करूं तो ये है उसके बाद मैं बात करूं तो ये है ठीक है उसके बाद हम बात करें तो ये तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेरे पास क्लाइमेटिक जोन अब जैसे मैंने एक नाम लिया ना अभी सब ट्रॉपिकल ठीक है तो सब ट्रॉपिकल क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको तो ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रहे हैं क्लाइमेटिक जोन बन रहे हैं तो सर ये कौन से क्लाइमेटिक जोन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं सारे के सारे सबसे पहले ये है मेरा इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं इक्वीटोरियल जोन जो इतने समझदार है ना उनको ये भी पता होगा कि मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है ठीक है इतने ही समझदार लोग हो तो ये पहले पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे मैंने तो वहीं से पढ़ लोगे समझ रहे हो ये ऐसे आ जाते हैं कोई कोई हिरणा कश्यप टाइप के आदमी अब एक बात बताओ जैसे करंट अफेयर में एक स्कीम आ जाए बार बार अब जितनी बार आएगा पढ़ाना पड़ेगा ना नहीं पढ़ाऊंगा बताओ यार इनको कहने दो कोई दिक्कत नहीं मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा ये इक्विटोरियल जोन है ये कौन सा जोन है दोस्तों दिस इज सब ट्रॉपिकल जोन इसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन ये जो है मेरे पास दिस इज नॉन एज पोलर जोन यहां पर अगर बात करें अगेन दिस इज सब ट्रॉपिकल जोन ये जो होता है हमारा इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों टेम्परेट जोन एंड दिस इज नॉन एज पोलर जोन ये हो गया हमारा हिंदी भाषा में अगर मैं बताऊं तो हिंदी भाषा का भी आपको पता है दोस्तों इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध नहीं सुना है तो सुन लो हिंदी में क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंध ये जो है ना इसको बोलते हैं उपोषण जैसे करण आया था अभी ये ये कुपोषण का शिकार था कटिबंध इससे क्या होता है बुद्धि थोड़ी मंद हो जाती है ऐसे ही दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा दिस इज ऑल्सो उपोषण कटिबंध इसके बाद यहां पर बात करते हैं हम तो ये क्या हो गया टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन को क्या बोलते हैं दोस्तों दिस इज शीतोषण कटिबंध सेम ये भी क्या होगा हमारा ये भी होगा शीतोषण कटिबंध ये क्या होगा हमारा दिस इज पोलर जोन वो लिख लिखी दिया हमने इसको हिंदी में लिखते हैं शीत कटिबंध अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखू दोस्तों तो इंडिया की लोकेशन जो है इंडिया से कौन सा पास हो रहा है दोस्तों अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें इंडिया से पास हो रहा है हमारा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ इंडिया के ठीक बीच से पास हो रहा है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ इसीलिए हम इंडियन क्लाइमेट को क्या कहते हैं कि इंडिया है सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट अच्छा साढ़े तेईस के आसपास तो सर क्या था आपका सब ट्रॉपिकल था ना ठीक है तो इंडिया हैज सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत के पास ये अच्छा सब ट्रॉपिकल को हम क्या कहते हैं ये तो हो गया हमारा लोकेशन के आधार पर तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि लोकेशन के आधार पर तो लोकेशन के आधार पर इंडिया हैज सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट बट अगर मैं विंड की आधार पर बताऊं बताऊ विंड के आधार पर तो हवाओं के आधार पर दोस्तों भारत की जलवायु को हम कैसा कहते हैं दोस्तों हम इसको मानसूनल क्लाइमेट कह देते हैं क्या कहते हैं मानसूनल क्लाइमेट आप मेरी बात समझे हवा के आधार पर हम इसको क्या कह देते है दोस्तों मानसूनी जलवायु सो ऑन द बेसिस ऑफ विंड प्रीवेलिंग विंड हम क्या बोलते हैं उसको मानसूनी जलवायु कह देते हैं भारत की जलवायु कैसी मानसूनी अब ये वर्ड तुम्हें दिख रहा है मानसून। ये वर्ड तुम्हें दिख रहा है मानसून। अच्छा ये वर्ड जो है ना ये अरेबिक या मलयन वर्ड से लिया गया है एक तो अरेबिक वर्ड है मेरे पास और एक वर्ड होता है जो मलयन वर्ड है मलेशिया वाला है ना मलयन अब मलायन का मुझे नहीं पता अरेबिक वर्ड जो है उसका नाम है मोहसिन क्या नाम है मोहसिन और मोहसिन का मतलब क्या होता है दोस्तों का मतलब होता है सीजन सीजन का मतलब आपकी क्या रितु में तो बेसिकली यहां पे क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट्स अबाउट द सीजंस सीजन सीजंस के बारे में क्या करता है दोस्तों इंडिकेट करता है सीजन के बारे में क्या करता है आपको दोस्तों बताता है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों फोन गर्म हो जा रहा है अरे गर्मी है ही यार ठीक है मेरे पेट में ना यूं कुड़कुड़ कुड़कुड़ -कुड़ -कुड़ टाइप हो रहा है जब तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है, तब ऐसा हो रहा है तो मानसून टाइप क्लाइमेट है अब इस मानसून के बारे में ना इस मानसून को समझने की देखो दुनिया में ना अगर सबसे कॉम्प्लेक्स कोई फेनोमिना है मेटोलॉजिकल फिनना है तो वो इंडियन मानसून ही है सबसे मुश्किल है इसको समझना इस इंडियन मानसून के बारे में तीन अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं देर आर द थ्री डिफरेंट थ्योरीज जिसको मैं दो कैटेगरीज के अंदर बांटता हूँ ठीक है एक तो अपनी पुरानी थ्योरी है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों पुरानी थ्योरी जो है उसको हम बोलते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली ठीक है दूसरा जो है ना उसको हम बोलते हैं मॉडर्न एयर मास थ्योरी इस मॉडर्न एयर मास थ्योरी में भी दो थ्योरी होंगी आपकी पहला कौन सी होगी फर्स्ट थ्योरी जो होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन और दूसरा अगर मैं बात करूं हमारे पास डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन के अलावा वो हम कह देते हैं जेट स्ट्रीम ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है थर्मल तो पूरा आपका किस पे डिपेंडेंट है आपका टेम्परेचर के ऊपर है. है? So जो, पुरा तो पुरा जो पुरानी हम बात करते थे ना तो इसमें कहा जाता है कि मेन रोल है किसका टेम्परेचर का तो इसमें ऑल्टरनेट जो लैंड और सी की जो हीटिंग होती है लैंड और समुद्र जो आपकी सी की हीटिंग होती है वो मेन फैक्टर बताया जाता है ठीक है किसके ऊपर में आपका मानसून भी यार गर्मी यार नहीं हो पा रहा ठीक है कल ही करेंगे यार गर्मी इतनी ज्यादा है कि बस मेरा हालत खराब हो रही है ठीक है नाराज तो नहीं हो जाओगे तुम भाई संता यादव ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट सुनीता ऑल द बेस्ट यार ठीक है ऑल द बेस्ट हाँ ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ज्योग्राफी का एग्जाम है आपका ट्वेल्थ का ऑल द बेस्ट ठीक है यार अभी मुझे दो इजाज़त यार क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ हो नहीं पाएगा मेरे ना ऊपर से नीचे तक मैं गीला हो गया हूँ ठीक है नीचे जो चल रहा हूँ ना उसके ऊपर मैं इतना पसीना गिर गया है कि उस पर चल भी नहीं पा रहा हूँ चिपचिप हो रही है ठीक है तो इसको अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं यार ठीक है कल करेंगे इसको बढ़िया पीपीटी वगैरह से ठीक है बाकी आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बस आपको मेरा कोड यूज़ करना है सुमिट टेन आपको पता है दोस्तों ग्यारह तारीख से आज मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ इंडियन जोग्राफी का ही डिटेल्ड कोर्स है ऑप्शनल लेवल का हम पढ़ाएंगे इसमें आइकॉनिक की बात करते हैं तो यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं मेरे आइकॉनिक कोर्सेज में भी कोड आपको सेम ही रखना है याद क्या है सुमिटेन तो दोनों कोड कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो कोड यूज रखना है मेरे याद रखना है मेरा क्या है सुमिटेन ये जीएस की फीस है ये जीएस आइकॉनिक की फीस है जीएस प्लस जीएस आइकॉनिक ये आपकी ऑप्शनल की फीस है सत्ताइस इसमें भी आप जुड़ सकते हैं चौबीस हजार सात सौ पचास आपकी फीस पड़ेगी आप जब मेरा कोड यूज करोगे ऑन दिस नोट यार वी एंडिंग दिस क्लास थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद कल मिलेंगे यार ठीक है नाराज तो नहीं हो सारे लोग यार हाँ भाई नाराज तो नहीं हो सारे जो देख रहे हो यार देखो पसीना आ रहा है मेरे को ना हालत खराब हो रही है बिल्कुल लाइट ही नहीं है और थोड़ी देर में वैसे ही बंद हो जाएगा तो इतनी सारी लाइट जला रखी है फिर एक अपनी प्लस पे वो स्पेशल क्लास है क्विज वाली वो भी नहीं कर पाएंगे अगर इसके चक्करों में रहे ना तो बेटर क्या है ना कि अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा वो क्लास क्योंकि वो एक लाइट में भी चल जाएगी इसके लिए लाइट बोर्ड वगैरह सब चलाना पड़ता है ठीक है नाराज़ तो नहीं हो यार सच बता दो भाई ठीक है कल करते हैं इसको अच्छे से कोई टेंशन नहीं है टेक केयर बाय जय हिंद